प्रदेश सरकार का शिवा प्रोजेक्ट हमीरपुर में रंग लाने लगा है। जिस जमीन को किसान बंजर छोड़ रहे थे, वहां पर फलदार पौधे लहरा रहे हैं, जिसे देखकर न केवल किसान बागवान खुश हैं, बल्कि दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा ले रहे हैं। प्रदेश में किसानों की आमदनी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई शिवा प्रोजेक्ट का हमीरपुर जिला के बागवान सार्थक लाभ उठा रहे हैं। हमीरपुर जिला के कैडरू गाँव में शिवा प्रोजेक्ट के तहत पूर्व सैनिक बागवान ने सैकड़ों संतरे और अनार के पौधे लगाए हैं। पूर्व सैनिक कैप्टन प्रकाश चंद की मेहनत अब रंग ला रही है। पौधे फलों से लदे हुए हैं और उन्हें लाखों रुपए की आमदनी की उम्मीद भी है। कैडरू गांव के बागवान कैप्टन प्रकाश चंद ने बताया कि वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग की शिवा प्रोजेक्ट के तहत करीब 20 कनाल भूमि पर अनार और संतरे के पौधे लगाए थे और कड़ी मेहनत और विभाग के दिशा निर्देश पर अब ये पौधे फल देने लगे हैं, जिससे आने वाले दिनों में 15 से 20 लाख की आमदनी की उन्हें उम्मीद है। उन्होंने बताया कि पहले मक्की और गेहूं की फसल बीजते थे, लेकिन मुनाफा नहीं होता था और नाम मात्र की ही फसल होती थी, लेकिन शिवा प्रोजेक्ट के तहत अब फलदार पौधे लगने से आमदनी अच्छी होने की उम्मीद जगी है। ये जी हमने 2019 अगस्त में लगाया है। पहले हम इसमें मक्की और गेहूं वगैरह बीजा करते थे, तो उसमें हमारे जो जुताई का काम ट्रैक्टर से कराते थे, उसमें भी बड़ा खर्चा आता था और जो हमें इतनी पैदावार भी नहीं होती थी। उसके बाद हमने क्या किया, सोचा भाई हम फलदार पेड़ लगाएं, तो 2019 अगस्त में हमने ये मौसमी और अनार के पेड़ लगाए और ये लगभग हमने पहले तो ये 17 कनाल में हमने लगाए हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर लगे थे। इसमें लगभग 1000 पेड़ है, उसमें 600 मौसमी का और 400 के करीब अनार का पेड़ है। तो अभी हमें इससे ये फायदा है कि इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमें पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जो हमें खर्चा भी पूरा नहीं होता था। अभी खाने पीने में भी फल प्रयोग आएंगे और साथ में हम बेचा करेंगे, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये स्कीम आई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, ये स्कीम चली हुई HP सेवा के नाम से है। तो इसमें फिर कोई आदमी तैयार नहीं हो रहा था पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मैं पहला आदमी है जो तैयार हुआ था इसको लगाने के लिए, क्योंकि हमारे गांव में सिंचाई की व्यवस्था है, क्योंकि नीचे खड्ड में पंप हाउस है, उससे पानी हमारी ज़मीन में लगता है। ये मेरा यही दायित्व है कि वो भी इसमें ज़्यादा खबर चल, एक साल इस सिर्फ इसकी थोड़ी मेहनत पड़ेगी, क्योंकि जब पेड़ थोड़ा मजबूत हो जाएगा तो दूसरे साल ऑटोमेटिक वो थोड़ा काम भी करे तो भी पेड़ चल पड़ते हैं और उसमें उनकी आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। इसकी देख रेख हम सुबह शाम करते हैं, क्योंकि हमारा तो घर ही नज़दीक है और साथ में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एक आदमी परमानेंट डिटेल है सूरज, ये हर रोज आता है, ये देखता है इसमें कोई बीमारी नहीं, उसके हिसाब से जो भी है डायरेक्शन हमें देते हैं उसके हिसाब से हम दवाइयाँ भी कभी छिड़काव करते हैं और दूसरी कोई बीमारी हो तो भी। और साथ में मैडम HDO मैडम भी साथ में आती हैं, हमारे लड़के और हमारी जो घरवाली है वो भी साथ में सहयोग देती है। भगवान देशराज का कहना है कि शिवा प्रोजेक्ट के तहत गांव वाले पहले तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उद्यान विभाग के प्रयासों से प्रोजेक्ट के तहत अनार और संतरे के पौधे लगाए गए, जिससे अब पौधे फल देने लगे हैं और बढ़िया तरीके से देख रेख करने के बाद प्रोजेक्ट के तहत लाखों रुपए की इनकम होगी। उन्होंने बताया कि पहले 5 से 7 हज़ार की फसल होती थी, लेकिन अब अनार और संतरे की 15 से 20 लाख की आमदन होने की उम्मीद है। तो हमने 17 कनाल के टोटल है इसमें लगाया जी। तो गांव वाले तो पहले तैयार नहीं हो रहे थे जी, कोई बोल रहे थे लेबर ज़्यादा, कोई बोलता कुछ ज़्यादा जी। बाद में डिपार्टमेंट ने नई मेहनत करके, हमारे राणा जी थे यहाँ पर, वो चले गए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर टोन देवी से, और टायर होकर चले गए सूरज जी हैं, इनके दूसरे साथी हैं, इन्होंने गर्मियों में जी बहुत मेहनत किया इसको इनक्रेज करने के लिए, लगाने के लिए, साथ में हम लगे रहे, फिर इनकी वजह से, इनक्रेज करने की वजह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ को है,
इसमें गांव के लोग माने जी, और इसमें एडजॉइनिंग गांव है दड़ेउट्टा जी, इसके लोग भी माने हुए, उन्होंने 100 कनाल के लगभग जमीन दे दी है जी, उसमें भी लग रहे हैं जी। तो डिपार्टमेंट के समय में क्या उम्मीद है सर आपको? इससे ऐसी उम्मीद है जी, देखो इसमें जो हम कमाते थे 2-5-7 हज़ार की फसल हो जाती थी एट ए टाइम, अब इसकी वजह से ये अनार ही हमें ऐसा लगता है कि 4-5 लाख 6 से कम नहीं देगा जी हमें, और दोनों को हमारे को 15 लाख का होगा जी। के लिए भी अच्छा रहेगा, देखो नहीं जी इसमें अनार है ये तो बंजर भूमि में भी हो जाता है जी, इसके लिए को जमीन पूजा और जमीन की जरूरत भी नहीं है जी, पहाड़ी में हो जाता है जी, मौसमी भी ऐसी है जी, और इसको जो अनार है इसको तो ज़्यादा पानी वाली जमीन भी नहीं चाहिए जी, ये थोड़े इसमें हो जाता है जी। तो ये जो हमारे नौजवान आजकल लड़के फिर रहे हैं ना, इस दरिया से घूम रहे हैं, इनके लिए तो बड़ी अच्छी स्कीम है जी, अगर वो इसमें इंटरेस्ट लेंगे काम करेंगे तो बहुत अच्छा है उनके लिए। इतना तो पैसा उनको नौकरी में नहीं मिलेगा जी, ना तो इसमें मजदूरी में मिलेगा जो यहाँ मिल जाएगा जी। स्थानीय महिला कश्मीरा ने बताया कि पहले खेतीबाड़ी में कोई फायदा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब फलदार पौधे लगाए गए हैं जिससे अच्छी आमदनी की उम्मीद जगी है। नाना जी हम पहले भी लगाए रहा हॉर्टिकल्चर ने पहले भी लगाए रहा बगीचे ना बीड़ा बीड़ा पर अपर सह नहीं कामयाब हो ना, फिर इससे पहले तो क्या कर दे मक्की कणक फिर क्या हुआ? तो चिश्त जी खर्चा बड़ा भारी है, ट्रैक्टर आले बड़े बड़े पैसे ले रहे, तेल महंगा हो गया। हाँ इश्त जी आनी है बड़ा काम, हाँ ये ठीक है फसल तो ठीक है जी। आने वाले समय जो क्या लगता है पिस्ते पैसे बनेंगे तो? और जी खूब बनने पैसे, देखा कि कम मौसमी लग रही नार लग रही बड़े भारी, फसल तो अच्छा ही है बहुत अच्छा। उद्यान विभाग के एचओडी सूरज का कहना है कि खेतीबाड़ी की मुख्य समस्या आवारा पशुओं की थी और इससे खेतीबाड़ी में मुनाफा नहीं हो रहा था, सरकार के शिवा प्रोजेक्ट के तहत किसानों को फलदार पौधे लगाने के प्रति प्रेरित किया जिससे अब अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सिंचाई व्यवस्था के साथ पूरी देखरेख पौधों को करवाई जा रही है ताकि अच्छे परिणाम सामने आए। हमारी जो हमारी खेतीबाड़ी की मुख्य प्रॉब्लम थी, जैसे कि हमारे जो बेसहारा पशु हैं या और कोई समस्या है, जैसे कि अभी कैप्टन साहब ने बताया कि जो एग्रीकल्चर की जो लैंड में ये जो इनपुट्स थे वो बहुत इनको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में बहुत इसमें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार और विभाग का जो एचपी शिवा क्लस्टर आया, इसमें हमारा जो मुख्य बिंदु था जो था फेंसिंग, इसमें कि एक हमारी जो हमारी जिसको हम सोलर फेंसिंग बोलते हैं वो उसका इंस्टॉलेशन, उसके साथ ही जो उच्च गुणवत्ता वाले पौधे हैं उनका खेतों में लगाना, और उसके अलावा जो भी इसमें मैनेजमेंट है चाहे सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था जो है वो हमारी सारी ड्रिप इरिगेशन से इंस्टॉल है, उसके बाद इसकी कोई देख रेख है, इसका टाइम से इसके खाद प्रबंधन, इसकी सिंचाई का प्रबंधन, और इसके अलावा जो भी इसमें कोई बीमारी आती है कोई और कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका भी प्रबंधन जो है उस समय इसमें भी कर रहे हैं। वहीं बागवानी विभाग के उपनिदेशक रामलाल संधू का कहना है कि शिवा प्रोजेक्ट के तहत कैडरू में अनार और संतरे के पौधे लगाए गए थे और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्लस्टर 8,850 पौधे लगाए हैं और इन पौधों की सही देखरेख की जा रही है ताकि आने वाले समय में बागवानों को अच्छी आमदनी मिल सके। जो एक्चुअली एचपी शिवा परियोजना के अंतर्गत पीआरएफ क्लस्टर्स स्थापित किए हैं, उसमें जिला हमीरपुर में 2 स्थापित किए गए हैं, जिसमें कि हमारा एक तो कैडरू का है जिसमें हमने जो है वो नींबू प्रजाति फलों का पौधरोपण किया गया है और इसके अतिरिक्त अनार का किया हुआ है, और कैडरू में ही एक फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन स्थल उसको स्थापित किया गया है, उसमें भी हमने जो अनार और ये जो है पौधे इसके नींबू प्रजातीय फलों के लगाए हैं, और जो क्लस्टर है उस क्लस्टर में सारे क्लस्टर में जो है हमने जो है वो 8,850 पौधा जो है वो रोपित किया गया है, और इसमें जो है लगभग कोई 38 जो है वो बेनिफिशियरीज हैं किसान हैं। वहाँ पर जो है वो एक्टिविटी हमारी जो है पहले हमने वहाँ पर लैंड डेवलपमेंट करके जो है स्ट्रिप प्रेपरेशन करवाया, उसके बाद जो है पिट फॉर्मेशन हुई, फिर प्लांटेशन उसके बाद जो है की गई, और उसके बाद तत्पश्चात जो है उसकी जो फाइनल मतलब जो है वो इंटरलिंक सोलर फेंसिंग वेव कर दी गई है। जो भी किसान इसमें सम्मिलित है वो लगभग 1 बीघा से 1.5 या 2 लाख रुपया अगर प्रॉपरली उसको मैनेज किया जाए
वैज्ञानिक तरीके से। वैसे तो विभाग जो है किसानों के साथ है और उनको जो टेक्निकल जो नो हाउ है वो समय समय पर देता रहता है। हमारे वहाँ पे एक क्लस्टर इंचार्ज हमने वहीं पे रखा हुआ जो समय समय पर उनको जो है वो बागवानी के बारे में जो वहाँ पे फलदार पौधे लगाए हैं उसको उसमें जो भी कोई समस्या आ रही है उसका निदान करने के लिए वहाँ रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर विभाग से ये काम नहीं हो पा रहा है तो हम जो है वो वैज्ञानिक जो हमारे UHF नवनी के अंतर्गत जो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री जो है वो नेरी में स्थापित है वहाँ से वैज्ञानिकों की सेवा लेते हैं ताकि समय पे किसानों की जो भी फलदार पौधों में समस्या आ रही है उसका जो है वो